नमस्ते, क्या आपने अनुलोम विलोम काव्यों के बारे में सुना है? नहीं, ये ऐसे काव्य हैं जिन्हें दोनों ओर से पढ़ा जा सकता है और दो भिन्न अर्थ निकलते हैं। उदाहरण स्वरूप, राघव यादवियम 30 श्लोकों का ऐसा ही एक काव्य है। दिस यूनिक स्तोत्र वॉज कंपोज्ड बाय द 17th सेंचुरी पोएट अरसिनापल्लाई वेंकटाध्वरी ऑफ कांचीपुरम। ही इज अ रेयर पोएट टू अचीव दिस फीट। इफ यू वर टू रीड द श्लोकस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दे टेल द स्टोरी ऑफ श्री राम, और दाहिने से बाएं ओर पढ़े तो श्री कृष्ण की कहानी बताई जाती है। उदाहरण देखिए, प्रथम श्लोक, वंदेहम देवम तम श्रीतम रंतारम कालम भासायः रामो रामाधीराप्यागो लीला मारो योद्धे वास। मीनिंग, आई बो एट द फीट ऑफ लॉर्ड श्री राम हु हैज सीता इन हिज हार्ट एंड हु वेंट टू लंका थ्रू द सह्याद्री हिल्स फॉर हिज वाइफ सीता, किल रावण एंड रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एक्साइल। एंड इन विलोम, सेवा ध्यायो रामलाली कोप्याराधि भारमोराह यस्य भालंकारम तारम तम श्रीतम वंदेहम देवम। I bow down at the feet of Shri Krishna, who is revered by Rukmini and the gopis, always seated with Mother Lakshmi, and whose beauty surpasses the beauty of all the jewels. This stotra is popular text among Sanskrit scholars who admire its literary merit and its unique form. It is often recited during religious ceremonies and festivals. और हिंदू पौराणिक कथाओं और दर्शन को समझने के लिए भी एक मूल्यवान पाठ है। यदि आप राघव यादवियम के बारे में अधिक जानने की रुचि रखते हैं तो हम आपको इसे संपूर्ण पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। एक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इफ यू एंजॉयड दिस क्रिस्प, मे वी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड एनकरेज अस टू रिसर्च एंड ब्रिंग टू यू लेस अनोन फैक्ट्स अबाउट भारत एंड सनातन। नमस्ते।